ये जीन वाली फाइल हम डाउनलोड करते हैं एक बार। अब ये स्टेटस एनालिसिस वाली वहां से हो गई है डाउनलोड जो है ना हमारा असेंबली, वो ही है ना असेंबली के अंदर हो गई। अच्छा अब ये जो फाइल है ना इसको हम एक्सट्रैक्ट करें। फर्ज किया ये न्यू फोल्डर में हमने इसको ऐड कर दिया। अब ये एक्सट्रैक्ट हो गया यहां से। पहले हमने ये सारी एक्सट्रैक्ट कर लेनी है फाइल। ये तो हमारी होगी जिनोम वाली, ठीक हो गया। और अभी हमने अच्छा ये तो जिनोम वाली होगी है ना। और फिर अब हमने करनी है पहले, अब हम इसके ऊपर वाली फाइल पहले कर लेते हैं। ये वाली है प्रोटीन वाली, इसको भी एक्सट्रैक्ट करें। अब ये प्रोटीन वाली भी फाइल भी हमारी डाउनलोड हो गई, ठीक हो गया। अब हमने तीसरी फाइल जो है ना ये वाली, इसको कर ले जो हमारी जीएफएफ फाइल है। अच्छा अब हमने टीवी टूल में जाना है। सबसे पहले हमने ये मालूम करना है कि ये जो फाइल है ना इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं और हर क्रोमोसोम की लेंथ कितनी है। ये हम फास्टा स्टैट में जाएंगे और यहां पर हम क्या करेंगे, यहां हम जिनोम वाली फाइल, ये वाली फाइल है ना, ये हम इधर ऐड कर देंगे, ठीक है। ये पूरी जिनोम की फाइल, इसके अंदर ये स्कैफोल्ड भी सारा कुछ बता देगी। अच्छा और फिर हम कहेंगे कि आउटपुट कहाँ होगी, ये इधर, इसको हम एक आउटपुट नेम देंगे, वो इसी फोल्डर का दे देंगे कि यहां सेव हो, यहां पर कोई भी फाइल हम इधर रख देंगे। अच्छा और फिर उसका एक नाम दे देंगे, नाम नाम ही दो वैसे ही मुझे लगता है। ये देखो अब ये स्टार्ट कर दिया हमने, तो ये हमें क्या करेगा कि हमें थोड़ी देर में ये इंफॉर्मेशन दे देगा कि इस जिनोम की फाइल के अंदर ये देखिए ये आ गई हमारे पास, ये फाइल आ गई। ये स्टैट फाइल आ गई हमारे पास, ये बता रहा है कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस कितनी है, जीसी कंटेंट कितना है, 0.3 फ्रीक्वेंसी, 0.35 है,
अच्छा ये बता दिया इसने, इसने तो सिर्फ बताया कि इसके अंदर सिर्फ स्कैफ, ये जितने भी स्कैफोल्ड है ना उसकी लेंथ बताई है। क्रोमोसोम नहीं है इसमें, फिर ये अभी ना इन्होंने क्रोमोसोम में असेंबल नहीं की हुई। ठीक है, अच्छा मुझे लगता है ये वाली जो हमने डाउनलोड की है ना यहां से जीनोम डेटाबेस से, ये वाली जो फाइल है ये एंड वाली, ये तो वैसे ही हुई है, देयर इज नो नीड टू एक्सट्रैक्ट, क्योंकि ऑलरेडी ये नॉर्मल फाइल है ये। इसके अंदर एक और सिट्रस साइनेंसिस सिट्रस जीनोम डेटाबेस, इसकी स्टैट हम इधर निकाल देते हैं। ये हमें बताता है कि इसकी जो स्टैट है ना उसके मुताबिक इसकी बच्चे इनके इनको क्रोमोसोम में अभी तक नहीं किया हुआ, इनके सारे कॉन्टिग्स ही हैं या ये जी सीएस के बाद, सीएस के बाद क्रोमोसोम नंबर है कौन सा? हाँ क्रोमोसोम नंबर वन। हाँ इनमें ये क्रोमोसोम वाली फाइल नहीं के बाद ये ना ये जीन की फाइल है। ठीक है जो हमने डाउनलोड किया है जो जीन इंफॉर्मेशन फाइल है, हमें क्रोमोसोम फाइल चाहिए, वो मिलेगी हमें ये 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 आ गई है, ये आ गई है, ये आ जाएगी, ये सीएसआई क्रोमोसोम ये वाली वो फाइल है मुझे लगता है। जब क्रोमोसोम वाली फाइल होगी तब तब ये इस तरह की बनेंगे ये चीज, नहीं तो हर जगह स्कैफोल्ड स्कैफोल्ड आ जाएंगे तो वो अजीब सी इंफॉर्मेशन होगी। ये मुझे लगता है ये सही है, लेकिन इट विल टेक टाइम। अच्छा अगर जब तक ये टाइम ले रहा है आप लोगों ने और क्या काम करना है, ये है मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ऑलरेडी जो ऑलव का किया हुआ था ना वो मैं दिखाता हूँ उसके अंदर। इंटर्नशिप वालों की बच्चों की, जैसे जो स्टूडेंट है जिसका मैंने ये अभी किया हुआ ये वाला मरियम, अच्छा इसका 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 ये पेप्टाइड टीबी टूल्स, ये थ्री फाइल्स बन रही है इसकी, ये साफ लगा लो, ये देख ये जीनोम फाइल है। ठीक है क्रोमोसोम नंबर वन जो भी है इन्होंने दिया हुआ है, और ये इसकी इसकी इंफॉर्मेशन फाइल जो है इसको हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं ना उसके अंदर ये, और इधर हम एक वैसी फर्जी सी एक फाइल बना लेते हैं। अच्छा ये इधर इस फोल्डर में इसका वो आए, अरे यार ये आ गई। अच्छा ये देखिए इसके मुताबिक ये देखिए क्रोमोसोम नंबर वन
ये सारे क्रोमोसोम की आईडी, फिर बताया कि हर क्रोमोसोम के अंदर कितने लेंथ है, क्रोमोसोम की लेंथ कितनी है। ठीक है, हमें सिर्फ ना ये जो सिंप्लीफाई आईडी वाली ये कॉलम चाहिए, ठीक है, और बाकी कुछ शायरी चाहिए इसमें से, ये इंफॉर्मेशन चाहिए हमें बस, ये वाली और ये वाली। ठीक हो गया, मेरी बात की समझ आ गई आपको? सिर्फ ये जो पहला एनालिसिस है उसके बाद हमें सिर्फ ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि क्रोमोसोम नंबर और उसकी लेंथ। अब ये इन्होंने इसके अंदर यही बताया हुआ है कि हर एक की लेंथ और उसके मुताबिक इसको ना इन्होंने ये हर एक क्रोमोसोम उसकी लेंथ, ये बड़ा क्रोमोसोम है, ये छोटा क्रोमोसोम है, उसको स्केल किया हुआ है इन्होंने। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या करना है, हर प्रोटीन को हर प्रोटीन के साथ ब्लास्ट करना है ताकि पता चल सके कौन सा जीन किसका डुप्लीकेट है। दूसरा काम क्या करना है, हर प्रोटीन को हर जीनोम की हर प्रोटीन के साथ ब्लास्ट करना है। उसके लिए क्या करेंगे कि ब्लास्ट में जाके ये काम कर लें आप, इट विल टेक टाइम, आज का काम सिर्फ ये करें आप, ब्लास्ट में जाके ना ब्लास्ट सीक्वेंस टू बिग डेटा फाइल, ये करना है आपने, और ये तकरीबन कोई 1.5 से 2 घंटे ले सकती है आपकी। मैं साथ में आपको वो वीडियो भेज देता हूं, अगर अगला भी काम हो सका तो कर लेना, अगर ना हो सका तो फिर हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी काम है, मैं हर तरह की फाइल्स भेज देता हूं। अच्छा, अल्टीमेटली हमने क्या बनाना है, एक सिंथनी मैप बनाना है, उसके अंदर ये ब्लास्ट सेवरल ब्लास्ट इस तरह ये है, यहां पर क्या करना है कि आपने यहां पर प्रोटीन की फाइल ऐड कर देनी है। फर्ज किया ये जो है हमने अभी डाउनलोड की है, देखते हैं आपसे होता है कि नहीं, अगर कोई इश्यू हो तो फौरन मुझे यू कैन जस्ट मैसेज मी कि सर ये प्रॉब्लम है, ये नहीं हो रहा, मैं बता दूंगा। छोटे छोटे प्रॉब्लम आते हैं इसके अंदर और वो हल हो जाते हैं, कोई मसला नहीं, समटाइम रिजल्ट्स नहीं आते लेकिन उसके अंदर को थोड़ा बहुत इश्यू होता है, मैं साथ साथ समझाऊंगा कि क्या इश्यू है इसके अंदर। ये प्रोटीन की फाइल है, ये हम इसको ये ऊपर वाले यहां पर पेस्ट कर दी, ये पहला कहेगा कि ये बिगर है तो आपने इसको यस कर देना, ये यस करने के बाद ही 5 मिनट लगाएगी। उसके बाद फिर यहां पर ना कोई इंफॉर्मेशन जब ये देगी, फिर आपने इसी प्रोटीन को ये फाइल जो आपने इधर पेस्ट की है यही ड्रैग करके आपने इधर कर देनी है, फिर इसके फिर हमने आउटपुट इसको ना डायरेक्टली दे देनी है, उसको स्टार्ट कर देना है। एंड दिस मे टेक अप टू द साइज अप टू द आपका जो है ना इसकी आपकी कंप्यूटर की स्पीड उसके मुताबिक, ये मे बी आप ये 2 घंटे भी ले सकती है, 3 घंटे भी ले सकती। अच्छा, इसकी पूरी की पूरी जो है ना आपको वीडियो, ये एक ना यूट्यूब की वीडियो में आपको दिखाता हूं, आप टीवी टूल लिखो ना वीडियो में जाके, ये वाला सिंथनी एनालिसिस इन टीवी टूल, इसने बड़े अच्छे तरीके से ना समझाया हुआ कि जिस कैसे सिंथनी बनानी है। ठीक है, ये शुरू में वो जिस तरह हमने किया था, ये बताया हुआ कि कौन कौन सी फाइल चाहिए, प्रोटीन GFF, ठीक है, फिर हमें सारा कुछ सर्कस, ये एक प्रोग्राम है ये यूज करना है जो कि सिंथनी बनाने के लिए यूज होगा, फिर ये MC स्कैन रैपर यूज होगा, फिर हमारा ये इस तरह का पहले बनेगा सिंथनी, फिर मरने के बाद फिर आपका ये सारी की सारी ना ट्रैकिंग, ये हमें फाइनली आपको ये इस तरह की सिंथनी फाइल बना देगा, फिर जीन विजिबल कर देगा,
तो फाइनली ये इस तरह का भी हमने ये सिंथेटिक बनाई है ना, तो ये हमें बता देगा कि डुप्लीकेटेड जीन कौन कौन से हैं और कहां से इवॉल्व हुए हैं। तो दैट्स ग्रेट इंफॉर्मेशन यू विल गेट फ्रॉम दिस। अच्छा, और इसकी जो है ना पीडीएफ में यही जो वीडियो है ना, इसकी एक्चुअली ये मुझे मुझसे बन नहीं रहा था, तो ये मैंने ना इस बंदे को कॉन्टेक्ट किया, ये जो वीडियो बना रहा है ये डॉक्टर वसीम है, ये हमारे पाकिस्तानी है, चाइना में पोस्ट डॉक कर रहा है, तो इसने भी मुझे सिखाई बड़े अच्छे तरीके से। तो मैं इसने भी मुझे फाइल्स बना दी जो उसकी ना मैनुअल टाइप ना, तो वो भी मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है। अगर कोई इशू आता है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, तो इंशाल्लाह ये सिंथेटिक बन जाएगी और ये आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि इतना बड़ा डाटा और उसको कैसे सर्कुलर फॉर्म में मैनेज करना और उसमें से इंफॉर्मेशन लेनी। जब आपके पेपर के अंदर ये वाला एनालिसिस हुआ होगा ना, तो ये वो रिवील करेगा कि वाकई ही डिड अ ग्रेट जॉब। ये मैं आपको ये वीडियो का लिंक ये मैं अभी आपको भेज रहा हूं, अच्छा। अगर उसके बाद अगर आप लोगों को सबकी सिंगली बन गई ना, तो फिर हम चार पांच या जो जितने भी क्रोमो हमारे जिनोम है ना, वो कट्ठा भी सिंगली कर सकते हैं, वो भी एक नया एक्सपीरियंस होगा। लेकिन इसलिए अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, ये आप करो ना, ये अब सेकंड सेमेस्टर में जाके, ये सेकंड सेमेस्टर जहां मैं आपको ये वीडियो का लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है, यहां इसको क्लिक करेंगे। अच्छा, आपने अपने अपने अब ये जो लास्ट ये इंफॉर्मेशन, अगर हमें ये मुझे लगता है ये बड़ी वाली फाइल आपने डाउनलोड करनी है उसके लिए, जीनोम इंफॉर्मेशन के लिए। वो जो पहली फाइल हमने जीन वाली डाउनलोड की थी, वो सी जीन की इंफॉर्मेशन, हमने जीनोम की इंफॉर्मेशन चाहिए। गल समझ आई? अच्छो, यस सर, जी सर, ये एक डिफरेंट सा एक होगा इंशाल्लाह प्रोजेक्ट, ये आपको हेल्प करेगा लर्न करने में, एक अच्छी चीज सीखने में, और ये अच्छी चीज है जो बहुत, तो ये बहुत बड़ा एनालिसिस है, समझोगे, आपने पूरे जीनोम का एनालिसिस करा है और उसमें से आपने जीन आइडेंटिफाई करके बिग डाटा, इसे कहते हैं बिग डाटा एनालिसिस, तो ये एक अच्छी चीज है। इसके लिए मे बी मैं आप लोग इंशाल्लाह खुद ही ले लेंगे, अगर आप मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बड़े बड़े कंप्यूटर ले लिए, सुपर कंप्यूटर टाइप, तो इंशाल्लाह, तो मैंने तो ले लिया है, अल्लाह खैर, तो इंशाल्लाह, तो ये जो है ना आपका एनालिसिस अगर ना हुआ तो फिर मुझे बता देना, तो मैं इधर से अपने कंप्यूटर में कर दूंगा, लेकिन आई वांट यू टू डू इट योरसेल्फ।